शुक्रवार को सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को 10 रुपए के प्लास्टिक नोट के फील्ड ट्रायल करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो ज्यादा समय तक चलेंगे। वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि देश में सरकार ने 5 जगहों पर प्लास्टिक बैंक नोट्स का फील्ड ट्रायल करने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक सबस्ट्रेट खरीदे जाने की मंजूरी दे दी गई है और रिजर्व बैंक को 10 रुपए के प्लास्टिक नोट को छापने की मंजूरी दिए जाने के संदर्भ में बता दिया गया है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक बीते कई वर्षों से बैंक नोट्स का जीवन चक्र लाइफ साइकिल बढ़ाने के लिए प्लास्टिक नोट्स जैसे विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक फील्ड ट्रायल के बाद प्लास्टिक करेंसी नोट को देश भर में लॉन्च करेगा। सरकार ने सबसे पहली बार फरवरी 2014 में 10 रुपए मूल्य के प्लास्टिक नोट को फील्ड ट्रायल के लिए मंजूरी दी थी। ट्रायल के लिए भौगोलिक और जलवायु विविधता के आधार पर 5 शहरों का चयन किया। प्लास्टिक नोट की औसत आयु 5 वर्ष है और इसकी नकल करना कठिन है। साथ ही ये भी कहा कि प्लास्टिक से तैयार नोट पेपर नोट के मुकाबले ज्यादा स्वच्छ होते हैं। उम्मीद करते हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।